हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष राठौर, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दी ट्रेन 18, एक हाइप बनी हुई है इंडिया में बहुत दिनों से कि ट्रेन 18 ट्रेन बन रही है, एक ट्रेन 20 ट्रेन बन रही है और इंडिया में इसको बनाया जा रहा है। और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, जैसे कि जापान, चाइना, USA, अमेरिका, इन सब में जो ट्रेन चला करती हैं, उसी लेवल की ट्रेन इंडिया में अब आने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेन अब बनकर तैयार हो चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है और रेलवे इसका ट्रायल रन करने वाला है सितंबर के लास्ट में। और ये ट्रायल रन जिस रूट पे होने वाला है वो रूट है आपका दिल्ली भोपाल रूट, जो कि इसकी स्पीड के लिए सुटेबल है। जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 160 km/h होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अभी जो ताज़ा न्यूज़ आई इस ट्रेन के बारे में वो इतना पता लगा है कि दिल्ली और भोपाल के बीच में जो शताब्दी चलती है उसको रिप्लेस करने के लिए इसकी टेस्ट भी उसी रूट पर होने वाली है। तो भोपाल शताब्दी को हम कह सकते हैं कि शायद ये रिप्लेस करेगी, और क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स को ही रिप्लेस करने के लिए इस ट्रेन को लाया गया है इंडिया में और मतलब बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, कुछ बात करते हैं इस ट्रेन की। ये ट्रेन है क्या आखिरकार? ये एक सेल्फ प्रोपल्ड ट्रेन सेट है। जिस सेल्फ प्रोपल्ड का मतलब है कि जो इंजन की है रिक्वायरमेंट वो इसमें ख़त्म हो गई। इसका मतलब कि कोच के अंदर ही आपको वो मोटर्स और जो लोकोमोटिव में फिट होता है जितना भी इक्विपमेंट वो लगा देंगे, तो उसके बाद ये सेल्फ प्रोपल्ड हो जाएगी। मतलब कि जैसे कि आपकी EMUs और मुंबई लोकल और MEMUs ट्रेन्स होती हैं, वो जिस तरीके की ट्रेन होती हैं, जो उनका सेट होता है उसमें कोई लोकोमोटिव नहीं लगाता, उसी तरीके की ट्रेन होगी। बट इसमें उनसे कुछ डिफरेंस होने वाले वाली जो इसका जो डिज़ाइन होने वाला है वो बड़ा ही एरोडायनेमिक होने वाला है, जैसे मेट्रो की ट्रेन होती हैं। तो बट वो मेन लाइन पर नहीं चलती हैं, बट मेन लाइन पर अब जो इस तरीके की ट्रेन आने वाली है वो पहली ट्रेन है, ये ट्रेन 18। इसका डिज़ाइन एरोडायनेमिक रखा गया है आगे से, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पर चलने के लिए ट्रेन बनाई गई है। तो साफ सी बात है कि इसका जो डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक होगा और एयर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है ये अपनी 180 अचीव कर पाएगी इसलिए। और जानकारी के हिसाब से इसका जो हर जो इसके कोचेस हैं वो 6 to 6.5 करोड़ तक की लागत आई है इसके एक कोच को बनाने के लिए। और जो इस कोचेस जो जिस तरीके के कोचेस होते हैं, तो सबसे पहली बात, एक ट्रेन की मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्पीड, एक्सेलरेशन फास्ट हो, कम से कम ट्रेवल टाइम ले। और जो ये फास्ट स्पीड और ये कम से कम ट्रेवल टाइम ले रही है, बट ये ऑपरेशन भी सेफ होना चाहिए। सो फ्रेंड, इस ट्रेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो हर कोच में इक्वल है, बिकॉज कि इसमें एक लोकोमोटिव नहीं खींच रहा है, सभी कोचेस काम कर रहे हैं इसमें। और जो इसका एक्सेलरेशन इसलिए भी हाई होता है, जैसे कि आपने देखा होगा लोकल ट्रेन जो होती है उनका एक्सेलरेशन एकदम फास्ट होता है, धीमे धीमे स्टार्ट नहीं होती है, एकदम फास्ट एक्सेलरेट हो पाती है ये ट्रेन। अभी इस ट्रेन के कोचेस को जो तैयार किया गया है वो ICF चेन्नई में तैयार किया गया है। इंडियन रेलवे के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडियन रेलवे ने इसको तैयार करवाया है। अभी इस ट्रेन का जो कोच तैयार किए गए हैं, पूरा सेट तैयार किया गया है, वो पूरी तरह से, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडिया में इसको बनाया गया है। इंडियन रेलवे ने ये चैलेंज लिया और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस ट्रेन को तैयार कर दिया है। और इंडियन रेलवे ये ट्रेन बनाने की सोच तो रहा था, और बट ये पहली ट्रेन थी और हमारे इंडिया में ऐसी कभी ट्रेन बनी नहीं थी, चली नहीं थी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी है वो यूरोपियन कंपनी से इंडिया ने ली है। यूरोपियन कंपनी से जो इन्होंने डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी ली है उसका फुली इम्प्लीमेंटेशन अब इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स खुद अपनी तरह से कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये ट्रेन सफल होती है और 3 महीने इसकी जो टेस्टिंग होगी, सितंबर से 3 महीने की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद RDSO के जो ऑफिसर्स हैं इसको वो बताएंगे कि वो पास हुई या फेल। और वैसे तो पास होके रहेगी क्योंकि हमारे इंजीनियर्स ने इतनी मेहनत जो करी है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें मूलभूत सुविधाएँ क्या क्या दी गई हैं। वैक्यूम टॉयलेट इसमें यूज़ किया गया है, और सभी प्रकार के जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई बाथरूम में, और कंफर्टेबल इंटीरियर होगा। और कंफर्टेबल इंटीरियर का मतलब जो इसकी सीट्स होंगी वो मूवेबल होंगी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देने वाली एक्सपीरियंस एंटायर जर्नी में। और फ्रेंड्स, इसके जो टॉयलेट है वो व्हील चेयर्ड
जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं वो भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकेंगे, ऐसा बताया गया है रेलवे की तरफ से। बात करते हैं लाइटनिंग की, जो इसमें लाइट्स एलईडी लाइट्स यूज़ की गई हैं, बहुत ही बढ़िया लाइट्स हैं। और जब आपको जैसे कि नाइट, जैसे कि शाम का वक्त होता है, तो वो जो लाइट है वो अपने आप डिम हो जाएंगी और दूसरी लाइट जल जाएंगी, जिन्हें हम कहेंगे डिफ्यूज्ड लाइटनिंग। तो दो तरह की लाइटनिंग यूज़ की गई है, एक तो ब्राइट लाइट होगी एलईडी की और एक डिफ्यूज्ड लाइटनिंग का भी इसमें यूज़ किया गया है। इसमें PIS पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि GPS बेस्ड होगा वो भी दिया गया है, विद वाईफाई, फुली ट्रेन वाईफाई होगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एंटायर जर्नी में। एंटरटेनमेंट भी फुल होगा आपका इसमें। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके डोर्स की, जो कि डोर्स होने वाले हैं जैसे कि हमने तेजस एक्सप्रेस में देखे ऑटोमेटिक डोर जो हुआ करते थे, और कुछ उसी तरीके के डोर्स इस ट्रेन में लगाए जाएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स जो अभी तक इंडियन रेलवे में नहीं हुआ है इंट्रोड्यूस, वो चीज़ में आने वाली है। वो चीज़ क्या है? ऑटोमेटिक फुट स्टेप्स मतलब कि जब आप प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो वो जो जीने होते हैं अब वो ऑटोमेटिक होंगे इस ट्रेन के अंदर। जब भी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकेगी तो ऑटोमेटिकली हर कोच के वो फुट स्टेप्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और आप प्लेटफॉर्म पर कोच से उतर जाएंगे आराम से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कोचेस की। 16 कोचेस होंगे, 16 कोचेस में से 14 कोचेस जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और जो 2 कोचेस होंगे वो एग्जीक्यूटिव कोचेस होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव कोचेस में 3x2 कॉन्फ़िगरेशन में सीट्स लगी होंगी, मतलब एक लाइन में 3 सीटें होंगी और बगल वाली लाइन में 2 सीटें होंगी। और एग्जीक्यूटिव कोचेस जो होंगे उसके अंदर 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में सीट्स लगी होंगी, मतलब कि एक लाइन में 2 और अगली लाइन में भी 2 ही लोग बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो इसके फर्स्ट क्लास कोचेस होंगे मतलब कि एग्जीक्यूटिव, उसमें 56 पैसेंजर बैठ पाएंगे, और जो कि सेकंड क्लास कोच मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव कोचेस होंगे इसमें 78 पैसेंजर बैठ पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, और ट्रेन 18 के बारे में आपकी क्या राय है। और ट्रेन 18 के बारे में ये तो थी कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, अब मैं आगे एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या पार्ट और क्या न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है ट्रेन 18 के अंदर, और क्यों इस ये ट्रेन दूसरी ट्रेनों से अलग है और क्या चीज़ है उसके अंदर जो इसको अलग बनाती है। तो इस चीज़ के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।